सत्य का निर्णय आप करें। आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां कौन सी हैं? अब हम देखेंगे कि आत्मा इन तीन सूक्ष्म शक्तियों से बनी है। ये तीन सूक्ष्म शक्तियां कैसे कार्य करती हैं? पहली सूक्ष्म शक्ति, जैसे हमने देखा, इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के चारों तरफ बाहर की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन आउटर लेयर होती है एटम। ऐसे ही मन भी जो है वो एक आउटर लेयर है, मन भी आउटर लेयर है किसकी? आत्मा की। ठीक है, तो मन क्या करता है, जो भी संदेश बुद्धि, जो भी शरीर से संदेश आता है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, मीठा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, हैं? कैसा लग रहा है, वो जो भी संदेश मन के पास आता है वो एज इट इज बुद्धि के पास पहुंचाता है, कुछ नहीं छुपाता। जैसे संदेश आया वैसे के वैसे ही वो बुद्धि के पास पहुंचाता है, और फिर बुद्धि फैसला करती है ठीक है या नहीं। कोई चीज गर्म लग रही है, कम गर्म है, ज्यादा गर्म है, नहीं इतना नहीं, ज्यादा होनी चाहिए, कम है या ज्यादा है, इसको कम करो, ठीक है ना। हवा ठंडी आ रही है कि गर्म आ रही है, खट्टी है कि मीठी है, मिर्चे ज्यादा है या कम है, मतलब मैसेज ये बीच में फर्क नहीं करता। लाल रंग दिखाई दे रहा है तो लाल बताएगा, नीला दिखाई दे रहा है तो नीला बताएगा, ठंडा है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म, जैसा है। इसने आज तक हम मन के बारे में बहुत कुछ होते थे, मन घोड़ा है, मन चंचल है, मन गंदा है, मन ये है, मन वो। आज आपने समझना है मन एकदम निष्पक्ष एक संदेश वाहक है जो बुद्धि के पास संदेश पहुंचाता है। जो कुछ देखता है, जो कुछ शरीर के द्वारा अनुभव करता है, मैसेज बुद्धि तक पहुंचाता है, और बुद्धि फिर फैसला करती है ये करना है या नहीं करना है, होना है या नहीं होना है, जो भी है वो फैसला कौन करती है? बुद्धि करती है। ठीक है कि नहीं? अब ये बुद्धि जो फैसला करती है वो किस आधार पर करती है? योग्य न्यूट्रॉन। अब उसके बाद बुद्धि जो फैसला करती है वो प्रोटोन के आधार पर करती है, संस्कार के आधार पर करती है। संस्कार क्या है? सिंपल भाषा में संस्कार को हम कहेंगे आदत। संस्कार को क्या कहेंगे हम? आदत। ठीक है, जो मेरी आदतें हैं। ये आदत बनती कैसे है, ये संस्कार बनता कैसे है, ठीक है, संस्कार कैसे बनता है, इसके लिए मुझे विवेकानंद की लाइन बहुत अच्छी लगती है, सिंपल और आसान से। परमात्मा ने कहा, बच्चे देखो, थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन। विवेकानंद ने भी ये कहा, परमात्मा ने भी आकर के ये कहा कि थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन। क्योंकि पहले कोई भी कर्म होना है उससे पहले क्या आएगा? थॉट आएगा, विचार आएगा कि अब ये करें। पहले विचार आएगा फिर वो हमारे जीवन में कर्म के रूप में आएगा। ठीक है कि नहीं? अब वो जो आ रहा है उसको हम कर्म में लाएंगे, और वो कर्म हम बार बार करेंगे तो हमारी हैबिट बन जाएगी। वो हमारी क्या बन जाएगी? हैबिट बन जाएगी। ठीक है कि नहीं? जब वो हैबिट बन जाएगी तो हैबिट से पक्की बन जाती है, उसे फिर संस्कार कहते हैं। हैबिट क्या बन जाती है? पक्की बन जाती है, वो फिर हमारा क्या बन जाता है? संस्कार बन जाता है। फिर हमारी जो आदत के अनुसार, जैसे आपको कोई चीज आदत के अनुसार पसंद है वैसे हो रही है तो आप कहते हैं ठीक है, और आपकी आदत के अनुसार वो मैच नहीं कर रही है तो आप उसको डिनाई कर देते, नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है कि नहीं? तो हमें समझ में आया, मन बुद्धि और ये संस्कार, ये तीन आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं जिनके द्वारा आत्मा अपना सारा कार्य करता है। हम आदतों को बदलते भी हैं, नई बनाते भी हैं। ठीक है कि नहीं? आदतों को बदलते भी हैं और बनाते भी हैं, और ये तीनों मिलकर के आत्मा कहलाती है। गीता का सच, त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच।
आपने निर्णय करना है कि सच क्या है। फिर भी कोई प्रश्न आपके पास है या विस्तार से आप कुछ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या आप अपना प्रश्न लिखकर भेजें मोबाइल नंबर 9213106986 पर या विश्व के 137 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। धन्यवाद।